शिखा, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस केक में मैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रही हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है। ये केक दिखने में तो सुंदर होगा ही साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी केक है। आप जब इसे बनाएंगे तो आप सब खुश हो जाएंगे कि ये इतना बढ़िया केक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो ऐसा क्या है इस केक में जिसकी मैं इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ, और उसे हम बनाना शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस केक के लिए मैंने आधा कप सूजी ली है, सूजी जिसे कि हम रवा भी बोलते हैं। यदि इसके लिए हमें बारीक सूजी लेना है, यदि बारीक सूजी नहीं है तो आप मिक्सी में एक बार पीस लीजिए, बारीक होना चाहिए। आधा कप मैंने मैदा लिया है, दोनों मिलाकर एक कप होना चाहिए। पौन कप मैंने शक्कर ली है, आधा कप मैंने मलाई ली है, फ्रेश मलाई हो, यदि मलाई नहीं है तो आप आधा कप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। आधा कप मैंने दूध लिया है, दूध हमारा गर्म होना चाहिए। 1/4 कप मैंने दही लिया है, दही हमारा फ्रेश होना चाहिए। इसके अलावा 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा लिया है। आधे नींबू का रस मैंने निकाल के रखा है, 1/2 टीस्पून हमें ऑरेंज इमल्शन डालना है। पहले हम सभी सूखी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। आधा कप रवा और मैदा, इन दोनों को मैं आपस में मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, दोनों मिलाकर एक कप होना चाहिए। इसे लेवल तक ही रखें, लेवल से ऊपर ना करें। और इसे अब मैं छन्नी में डालूंगी और इसे हमें छानना है। पहले सभी सूखी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लें। 1/4 कप शक्कर है, 3/4 कप पिसी हुई चीनी है, 1/4 टीस्पून मैंने खाने वाला सोडा डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। अब हम सभी सूखी चीज़ों को छानेंगे। इन चीज़ों को हम इसलिए छानते हैं कि छानने से हमारे केक के इस पाउडर में बहुत अच्छी एयर जाती है। जितनी अच्छी एयर जाएगी उतना स्पॉन्जी केक बनेगा। ये देखिए, सभी सूखी चीज़ों को मैं छान रही हूँ। और छानने से दूसरा फायदा ये होता कि ये आप देख रहे हैं, छोटी छोटी सी मैदे में कई बार गुठलियाँ पड़ जाती हैं या शक्कर में थोड़े बहुत दाने होते हैं वो निकल जाते हैं, इसलिए हम छानते हैं। केक के पॉट को भी हम तैयार कर लें, जिस भी शेप में आपको बनाना है उसमें ग्रीसिंग कर लें और बटर पेपर लगा लें। अब मैं एक अलग बर्तन में इस केक के पाउडर को निकाल रही हूँ और एक बार इस पाउडर को आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये देखिए, अब इस कांच के बॉल में मैं आधा कप मलाई डाल रही हूँ। मलाई फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा पुरानी मलाई ना ले। यदि मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इस मलाई में मैंने 2 चम्मच गरम दूध डाला है। गरम दूध डालने से हमारी मलाई क्रीम के रूप में आ जाती है, नहीं तो हम सादी मलाई को ठंडे दूध से फेंटेंगे तो उसका मक्खन बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि दूध हमारा गर्म होना चाहिए। ये देखिए, हमारी मलाई बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ चुकी है। अब इस केक के पाउडर को, जिसे हमने छान के रखा है, 2 चम्मच हम डालेंगे और 1 चम्मच हम गरम दूध डालेंगे। इसी प्रोसेस को हमें लगातार दोहराना है। सभी चीज़ों को हैंड विस्कर से चलाते जाएं। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी इसे कर सकते हैं, परंतु वह सबके पास नहीं होता है, इसलिए मैं हैंड विस्कर से ही आपको इसे फेंटना दिखा रही हूँ। 2 चम्मच हमें केक का पाउडर डालना है और 2 चम्मच हमें गर्म दूध डालना है। इस तरह से हमें इसी प्रोसेस को दोहराते हुए इस मिक्सचर को ख़त्म करना है और इसे लगातार हमें चलाते रहना है। ये देखिए, इस बीच हम अपने कुकर को प्री हीट होने रख दें। आप देख रहे होंगे कुकर में मैंने नमक डाला है। इस नमक को मैं कभी भी अलग फेंकती नहीं हूँ। इस नमक का मैं दोबारा यूज़ करती हूँ। इसे ठंडा होने के बाद एक डब्बे में भर देती हूँ। अगली बार जब मैं केक सिखाती हूँ तो मैं वापस इसी नमक का यूज़ करती हूँ। कुकर मैंने प्री हीट होने रख दिया है। आखिरी में हम दही डालेंगे। दही यदि हम पहले डालेंगे तो दूध, मैंने आपको बताया है कि दूध हमारा गर्म होना चाहिए तो दूध फट जाएगा, इसलिए दही और नींबू का रस सबसे आखिरी में डालना है जब हमारा केक का मिक्सचर अच्छी तरह से फिट जाए। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऑरेंज इमल्शन का डाल रही हूँ। आप देखिए, ऑरेंज इमल्शन डालते ही कितना सुंदर कलर आने लगा है। ये केक खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। 1/2 टीस्पून ऑरेंज इमल्शन का यूज़ कर लिया है मैंने और बहुत अच्छी तरह से फेंटें। जितना अच्छा हम फेंटते हैं उतना ही स्पॉन्जी हमारा केक बनकर तैयार होता है। कुकर भी हमारा प्री हीट हो चुका है, केक का टिन भी हमारा तैयार है। अब इस केक के मिक्सर को हम इस केक के टिन में डालेंगे और इस केक को अब हम बेक करने रखेंगे। आप केक के इस मिक्सर का कंसिस्टेंसी देख लीजिए, गाढ़ापन देख लीजिए कि कितना गाढ़ा हमारे केक का मिक्सर होना चाहिए।
बिल्कुल ये पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक बनने के बाद पिचक जाता है बीच से, इसलिए इसका ये जो मिक्सर है वो गाढ़ा ही होना चाहिए। हल्का सा टैप करें ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। ये देखिए कुकर प्री हीट हो चुका है, मैंने एक रिंग रखी है, डायरेक्ट कुकर पे पॉट को न रखें। अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक के रखूंगी और 10 मिनट के बाद मैं गैस की फ्लेम को स्लो कर दूंगी और 30 मिनट तक के रखूंगी। 40 से 45 मिनट के अंदर हमारा केक बेक हो जाएगा, परंतु 35 मिनट्स के बाद एक बार चेक कर लें आप कि कितना टाइम है। ये देखिए 35 मिनट्स हो चुके हैं। हम टूथपिक डालेंगे, हल्की सी टूथपिक की नोक डालें, नहीं तो केक में छेद हो जाता है। बिल्कुल नोक डाल के मैंने देखिए चेक किया है, हल्का सा मुझे गीला लग रहा है, इसलिए मैं इसे 10 मिनट वापस स्लो फ्लेम में फिर से बेक करने रख रही हूँ। ये देखिए कुल मिलाकर 45 मिनट्स के अंदर हमारा केक बनकर तैयार है, आप देख रहे होंगे। अब इसे ठंडा होने दीजिए, कभी भी गर्म केक को डीमोल्ड ना करें, नहीं तो केक हमारा टूट जाता है, इसे ठंडा होने दें। अब मैं शुगर सिरप भी तैयार कर लेती हूँ। एक चम्मच मैंने पिसी हुई शक्कर ली है, थोड़ा सा पानी लिया है और थोड़ा सा मैं 2-4 बूंद ऑरेंज इमल्शन की डालूंगी। ये देखिए अब हमारा केक ठंडा हुआ है, ये हमारा शुगर सिरप भी तैयार हो रहा है। शुगर सिरप डालने से हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। यदि आप शक्कर कम पसंद करते हैं, फीका केक खाना चाहते हैं या कम शुगर वाला केक खाना चाहते हैं, तो आप इस शुगर सिरप जो मैं आपको बता रही हूँ, शक्कर की पिसी हुई शक्कर की मात्रा और कम कर दें। ये देखिए इस टिन को मैं डीमोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ, कितना सुंदर हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए आप इसका स्पॉन्ज देखकर समझ रहे होंगे, बिल्कुल भी टिन में नहीं चिपका है, ये हमारा बटर पेपर लगाने के कारण होता है। बटर पेपर लगाने से केक बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। ये देखिए आप साइड से भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, कितना आप इसका स्पॉन्ज देखकर समझ रहे होंगे कितना अच्छा केक बना है। ये देखिए आगे से भी मैं आपको ये केक दिखा रही हूँ और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब ये जो हमने शुगर सिरप तैयार किया है, पूरे केक में आगे पीछे साइड में चारों तरफ हमें इस शुगर सिरप को स्प्रिंकल करना है ताकि पूरा केक हमारा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए यदि आपके पास इस तरह का ये नहीं है वायर वाला, तो आप स्पून की सहायता से भी शुगर सिरप स्प्रिंकल कर सकते हैं। किनार में भी स्प्रिंकल करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो इसकी किनार जो है वो आपको थोड़ी सी हार्ड लग सकती है, इसलिए हल्का सा शुगर सिरप चारों तरफ स्प्रिंकल करें। आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से दबा दबा कर इसे शुगर सिरप को स्प्रिंकल कर रही हूँ। शक्कर कम पसंद है तो शक्कर की मात्रा कम कर दें आप सिर्फ पानी और 2 ड्रॉप आप ऑरेंज इमल्शन का ले सकते हैं। ये देखिए किस तरह से मैं हल्का सा दबाते हुए शुगर सिरप छिड़क रही हूँ इसमें ताकि चारों तरफ लगे। ये हमारा ऑरेंज केक बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसे आपको काट के भी दिखाती हूँ, आप पास से देख लीजिए इसका स्पॉन्ज। दिखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना स्पॉन्जी हमारा केक तैयार हुआ है। हम घर पर कितने आसानी से केक बना सकते हैं। इसमें मैंने बाजार की कोई चीज यूज नहीं की है कि आपको बाजार जाना पड़े। ये देखिए आप मेरे काटने के ढंग से समझ रहे होंगे कि कितना स्पॉन्ज आया है हमारे केक में। ये देखिए मैं इसे काट के आपको बिल्कुल पास से दिखाना चाहती हूँ ताकि आप देखें कि कितना स्पॉन्जी केक हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। दोस्तों आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस केक को बनाने में, खाने में और खिलाने में। ये देखिए अब मैं इसे आपको हल्का सा दबा के दिखाती हूँ, दबाने से आप समझ रहे होंगे कितना अच्छा स्पॉन्ज आया है हमारे केक में। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी ऑरेंज केक की रेसिपी, प्लीज आप इस रेसिपी को जरूर। दोस्तों अगर ये हेल्दी और टेस्टी केक जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, जिसकी रेसिपी ये यदि अच्छा लगा हो तो आपको करना है मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में आपको #शिखासकिचन लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये कमेंट्स आप मुझे जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।